नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गायत्री और आप देखना शुरू कर चुके हैं श्रेष्ठ भारत। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों पर विराम लगा दिया है। लंबे समय से कयासबाजी चल रही थी कि क्या बीएसपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाली है। कांग्रेस का हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की मायावती के साथ गठबंधन की बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मायावती ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वे अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अटल है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा बनाने की अफवाह फैलाना फेक न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता ना खोएं। लोग भी सावधान रहें। मायावती कह रही है कि यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन हैं। इसलिए आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी का विजय रथ रोकने की कोशिश की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें जीत सकी थी। मगर वर्तमान हालात ये है कि बीएसपी के 10 में से करीब करीब आधे सांसद हाथी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। पिछले हफ्ते ही अंबेडकर नगर से बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने बीएसपी से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। पाला बदलकर रितेश पांडे बेहद उत्साहित भी हैं। बाकी बचे सांसदों और नेताओं की मायावती और बीएसपी के प्रति निष्ठा सवालों के घेरे में है। मायावती अकेले चुनाव लड़कर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कर पाएंगी, इसको लेकर सभी के मन में संदेह है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को पूर्वांचल में झटका लग चुका है। पूर्वांचल जो कि कभी बीएसपी का गढ़ माना जाता था, अब वहां उसके पास चुनाव लड़ने लायक नेता ही नहीं बचे हैं। जौनपुर से बीएसपी के सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके संकेत आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनकी मौजूदगी से मिलते हैं। तो वहीं अमरोहा के बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली बीएसपी छोड़कर पाला बदल चुके हैं। गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए गाजीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है, तो उनका भी अब बीएसपी से कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। वहीं बिजनौर से बीएसपी के सांसद मलुक नागर के आरएलडी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यूपी की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जिस दलित वोट बैंक पर अपना अधिकार समझती थी, उस दलित वोट बैंक का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जा चुका है। मुफ्त राशन और योगी मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दलितों को मिल रहा है। मायावती के पास इसका कोई काट नहीं है, फिर ये वोट बैंक बीएसपी के साथ भला क्यों रहेगा। मायावती की पार्टी बीएसपी का कमजोर होना सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है। कयास तो ये भी है कि मायावती अपने खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस फिर से खुलने से डर रही हैं। इसलिए वो किसी गठबंधन में जाने की बजाय एकला चलो की राह अपना रही है। चुनाव में बीएसपी अकेले लड़कर कैसा प्रदर्शन करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।